Hello friends, welcome to all of you to our YouTube channel GS Classes. आज तक आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखी हैं, करंट अफेयर्स देखा है, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, बायोलॉजी की वीडियोस देखी हैं। आज हम एक अलग पैटर्न से, अलग तरीके से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर कोरोना महामारी बहुत बुरी तरीके से अपने पाँव पसार चुकी है, जिसकी वजह से हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने ये फैसले लिए हैं कि हम अपने घर में रहें, लेकिन हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। आपके विद्यालयों ने भी आप तक ऑनलाइन वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं, जिससे आप लोगों को प्रॉपर होमवर्क मिल रहा है, आप लोगों को वीडियोस मिल रही हैं और आप लोग अपना काम तरीके से कर पा रहे हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे कुछ सोचा है कि हम लोग जैसे बच्चे ट्यूशंस पढ़ते हैं, तो आजकल ट्यूशन सेंटर भी बंद है, हम लोग आप लोगों के घर तक ये ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास की मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ की तैयारी करवाऊंगी आप लोगों को। बिल्कुल ज़ीरो से कंसेप्ट उठाऊंगी, ये बिल्कुल एक पारंपरिक, एक ट्रेडिशनल तरीका, कन्वेंशनल तरीका मैं अपना रही हूँ। आपको बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे वाइट बोर्ड और मार्कर के साथ मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगी। ये व्हाइट बोर्ड पैटर्न मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि हम लाइव क्लासेस करें जिसमें आप साथ साथ अपने डाउट्स भी पूछ सकें, तो मुझे आप वो भी बता सकते हैं कमेंट करके, हम आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी अलाउ करवा देंगे। एक और बात, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे हम आज क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर 2 पॉलीनोमियल शुरू करने जा रहे हैं, बहुपद जिसको हिंदी में कहते हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम यूज़ करूँगी ताकि दोनों माध्यम के बच्चे अपनी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सके और दोनों को कोई दिक्कत ना हो। फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी आपसे। बिल्कुल ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग NCERT की किताबों को कवर करेंगे। जिस बच्चे के पास अभी बुक नहीं है, बुक शॉप ओपन ना होने की वजह से, उस लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी PPT जिस तरीके से तैयार की है कि पूरा बुक का पैटर्न यू का यू यहाँ पे मैंने आप लोगों को PPT में प्रोवाइड करा दिया है। तो बुक हो या ना हो, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं आएगी। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाऊंगी और एक्सरसाइज के हर प्रश्न का एक पार्ट आपको कराऊंगी, बाकी पार्ट्स आपको करने होंगे। जो पार्ट सॉल्व नहीं होते हैं वो आप मुझे बताएंगे, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व करा दूंगी या एक डाउट सेशन ले लेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना पॉलीनोमियल। तो कुछ बेस समझते हैं हम यहाँ पे, पॉलीनोमियल कहते किसे हैं, क्या होता है, कैसे इसकी शुरुआत करनी है। देखिए, जो टर्म है पॉलीनोमियल, चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बहुपद। हम पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं। देखिए, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है पद, यानी टर्म्स, बहु मैनी पद टर्म्स। अब अगर आपको किसी ने यूं लिख के बता दिया 3x, इसके अंदर आपको कितनी टर्म दिख रही है, केवल एक, इसका नाम क्या होगा, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल, एक, और मियल मतलब पद, एक पद। इसके अंदर एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, इसलिए इसको नाम दे दिया मोनोमियल। किसी ने आपको यूं कह दिया 3x + 2, इसके अंदर आपको एक ये टर्म दिख रही है, एक ये टर्म दिख रही है, इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। बाई का मतलब दो, यानी द्वि, और नोमियल अगेन वही शब्द, पद, द्विपद हो गया। अगर आपको किसी ने यूं लिख के दे दिया 3x + 4y + 1, यहाँ पे आप कितनी टर्म्स देख रहे हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 टर्म देख रहे हैं हम, इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राई को क्या कहते हैं, 3, 3, और नोमियल यानी पद, त्रिपद। तो पॉलीनोमियल के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, कितने भी टर्म्स यहाँ पे पॉलीनोमियल के अंदर हो सकते हैं, यानी मैनी टर्म्स, बहु पद, बहु मतलब बहुत सारे, और पद मतलब जो आपको मैंने अभी समझाया। अब इसके अंदर आप दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो 3 और एक x, एक 4, एक y, तो ये सब क्या होता है, हम मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। देखो, दो तरह के टर्म यूज होते हैं, एक को कहते हैं कॉन्स्टेंट और एक शब्द होता है वेरिएबल। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, कॉन्स्टेंट को क्या कहा जाता है, अचर,
और वेरिएबल को क्या कहा जाता है? चर। इसको कैसे समझेंगे हम? जितने भी x, y, z, s, t, u, v ये आप देखते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये वेरिएबल्स होते हैं, ये चर होते हैं। क्यों इनको चर कहते हैं? क्योंकि चरते रहते हैं। चरते इन द सेंस कभी यहाँ पे मुंह मारा, कभी वहां पे मुंह मारा। तो मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल घरेलू तरीके से। देखिए कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन में मान लो x की वैल्यू 2 आ गई, हो सकता है आगे जाके x की वैल्यू 5 आ जाती है, हो सकता है आगे जाके अगले प्रश्न में x की वैल्यू 6 आ जाती है। तो हर क्वेश्चन में इनका जो मान है, इनकी जो वैल्यू है, वो बदलती रहती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये वेरिएबल्स है। जो कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? एक, चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं, चाहे भारत में बैठे हैं, चाहे लंदन में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, एक का मतलब एक है। इसकी वैल्यू यू नहीं है कि इस वाले प्रश्नावली में, इस वाले एक्सरसाइज में एक का वैल्यू कुछ और है और दो का वैल्यू कुछ और है। ये कॉन्स्टेंट रहेंगे, अचर रहेंगे। अचर मतलब जो बिल्कुल फिक्स है, स्थिर है जिसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है, 4 कॉन्स्टेंट है, y वेरिएबल है, 1 कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से 2 शब्द बने हैं, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। अब आगे जाके पॉलिनोमियल के अंदर हमको कौन कौन से और शब्द समझने हैं। अभी तक हमने पॉलिनोमियल शब्द का मतलब समझा है और हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को समझा है। अब आप आगे पढ़ेंगे कि इन इक्वेशंस की रूट्स निकालिए, इन इक्वेशन की जीरोज निकालिए। तो क्या कहते हैं इनको हिंदी में? कि इनके शून्यक निकालिए। हिंदी में कहते हैं इनको शून्यक। क्या होता है शून्यक, क्या होता है जीरो? देखो, जीरो कोई भी वो संख्या होती है, कोई भी वो नंबर होता है, जिसको अगर आप इक्वेशन में पुट कर दो, अगर आप किसी रैखिक पद में अगर आप उसको पुट कर दो, तो पुट करने से वो पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो के बराबर आ जाए। उसको कहते हैं, वो उस इक्वेशन के रूट्स है, या आप कह सकते हो वो इस इक्वेशन के जीरोज है, या आप कह सकते हो वो उस रैखिक पद का शून्यक है। कैसे समझते हैं? मान लीजिए आपको इक्वेशन दे दी 4x+2। आपको ये कितने टर्म्स हैं इसके अंदर? 2। तो ये क्या है? एक बाइनोमियल है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप, यहाँ पे इसको क्या देख रहे हो आप? 4x और एक कांस्टेंट टर्म दे रखा है 2। आपको पूछ लिया कि इसके जीरो निकालिए, इसके शून्यक निकालिए। कैसे निकालेंगे हम लोग शून्यक? कैसे निकालेंगे? जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसको आप जीरो के इक्वल कर लो, तो क्या आ जाएगा? हम लोगों ने इसको जीरो के बराबर रख लिया। यहाँ से क्या निकलता है? 4x-2, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है? -2/4। ये कट गया, -1 और नीचे 2, यानी -1/2। इस रैखिक पद का, इस लीनियर इक्वेशन का क्या आ जाता है? ये इसका शून्यक है, ये इसका जीरो है। क्यों ये इसका जीरो है? क्योंकि ये वो संख्या है, अगर हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाएगा। करके देख लेते हैं। ये आपकी क्या निकली है? x-1/2। जहां जहां आप x देख रहे हैं वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/2 हमने पुट किया, और ये 2 × 4 कट गया। क्या आता है यहाँ से? -2, और ये क्या है? +2। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब ये शून्यक क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनको इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो अभी तक हमने ये बातें सीखी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए ये आपको कुछ ग्राफ दे रखे हैं, आपको कुछ आलेखीय निरूपक दे रखे हैं। देखो इन क्या कहते हैं इंग्लिश में, जिन जिन चीजों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो हम ग्राफ के बारे में भी अभी सीख लेते हैं। वैसे आपने 9th क्लास में सीखा भी होगा आलेखीय निरूपक, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं ग्राफ के बारे में बेसिक सी बातें। ये इस तरीके से आप कार्टेशियन प्लेन देखते हैं, ये जहां पे दोनों मिल रहे हैं इसको कहते हैं हम मुख्य बिंदु, यानी ओरिजिन। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, 0। ये होता है हमारा x एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव x, यहाँ पे माइनस x, यहाँ पे माइनस y, यहाँ पे पॉजिटिव y। यानी इसको कहा जाता है x एक्सिस और इसको कहा जाता है y एक्सिस। अब आप ऐसे देखते हैं 2,4, 1,3, ये सब क्या होता है? इसको
ये दो जो होती है, जो शुरुआती वैल्यू होती है ये होती है एक्स की वैल्यू, और जो चार होता है ये जो पीछे वाला होता है ये होता है वाई की वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। इसी तरह एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन, और तीन किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। अगर आपको कोई प्लॉट करने को कह दे कि ग्राफ में 1.3 आप प्लॉट करें, कैसे 1.3, तो हम जब एक्स की वैल्यू एक है तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। हमें क्या कहा है कि एक्स पे तो एक और वाई पे तीन, तो ये वो बिंदु आ गया जहाँ पे एक्स तो एक है हमारा और वाई तीन है। ये सब आपने क्लास 9th में सीखा भी होगा, तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता रही हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हमने अभी हमने लीनियर इक्वेशन के अंदर शून्य को कैसे निकालते हैं वो हमने समझा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताती हूँ। अच्छा, एक और बात इससे पहले हमको सीखनी पड़ेगी। देखो, कुछ इक्वेशन आप ऐसे पढ़ते हो x प्लस वन, कुछ इक्वेशन आप ऐसे पढ़ते हो x स्क्वायर प्लस वन, कुछ इक्वेशन आप ऐसे पढ़ते हो x की पावर 3 प्लस 1, कुछ इक्वेशन ऐसे भी पढ़ते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ कुछ ऐसे पढ़ते हैं हम x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये सब अलग अलग इक्वेशन है। हमने क्या देखा, इसके अंदर कितनी टर्म है, दो, इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। इसके अंदर भी दो टर्म, बाइनोमियल। इसके अंदर भी बाइनोमियल। इसके अंदर तीन टर्म है, ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल, त्रिपद। इसके अंदर चार है, इसको आप कह सकते हैं पॉलीनोमियल, बहुपद। भाई बहुत सारे टर्म है, या टेट्रानोमियल आप इसको कहेंगे। अब यहाँ पे आपको इस पूरी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, घात, मैक्सिमम घात इसकी एक, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम डिग्री यानी मैक्सिमम घात इसकी कितनी है, एक। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, आप सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या देख रहे हो, घात दो, ठीक है। ये क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, द्विघातीय। यहां पे देखिए, मैक्सिमम इक्वेशन, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात कितनी है, तीन, इसको क्या कहेंगे हम, त्रिघात, त्रिघातीय इक्वेशन है ये, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप मैक्सिमम पावर क्या देख रहे हो, दो, ठीक है। इसकी पावर क्योंकि एक है, यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है, दो, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कैसी इक्वेशन है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इंग्लिश में त्रिघात को कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है, तीन, क्योंकि ये इससे छोटा है दो, और यहां पे पावर कितनी है, एक। तो मैक्सिमम पावर देखनी है हमको, वही उस इक्वेशन का डिग्री होगा। इसकी डिग्री अगर पूछ ली जाए, इसकी घात अगर पूछ ली जाए पूरी इक्वेशन की, वो है तीन। और इस इक्वेशन का नाम क्या होगा, ये एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है, यानी ये एक त्रिघातीय बहुपद। अब मैं एक और आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अगर आपसे किसी ने ऐसे पूछ लिया वाई स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये कैसी इक्वेशन है, आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये क्वाड्रेटिक है, ये पॉलीनोमियल, ये क्वाड्रेटिक है या ये क्यूबिक है, कैसी इक्वेशन है, आप देखेंगे मैक्सिमम पावर कितनी है, दो। हमको और कुछ नहीं देखना, बस ये देखना मैक्सिमम पावर है कितनी, दो। तो ये कैसी इक्वेशन होगी, द्विघाती है यानी क्वाड्रेटिक। आपको दे दिया टी क्यूब प्लस 1, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, तीन, यानी ये कैसी इक्वेशन होगी, ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन होगी, यानी ये हमारी त्रिघातीय इक्वेशन होगी, त्रिघातीय रेखित होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी पावर्स, या आप नाम पढ़ेंगे मैथ की किताब में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो ये हमने अब समझे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कुछ ग्राफ देखते हो, कुछ पैराबोलाज हैं, कुछ अलग अलग शेप्स हैं ग्राफ की। हमसे पूछा गया है कि इन ग्राफ का जीरो बताइए, इन ग्राफ का शून्यक बताइए, हम लोगों को इसका शून्यक बताना है, तो कैसे बताएंगे। कोई भी ग्राफ, ध्यान से सुनना, कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसके उतने ही शून्यक होंगे, उसके उतने ही जीरोज होंगे। तो पहले को देखते हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो इसका शून्य यानी इसके जीरो कितने होंगे, इसके जीरो हो गया एक। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, दो बार, तो इसके शून्य कितने हो गए, दो, यानी इसके जीरोज हो गए दो। ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक,
दो और तीन बार काट रहा है, इसकी जीरोस कितनी हो गई, तीन। ये हमारा एग्जांपल वन भी है एनसीईआरटी का। एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो इसका जीरो कितना हो गया, एक। ये कितनी बार छू रहा है, देखिए कट नहीं कर रहा है लेकिन टच कर रहा है, ठीक है, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू है एक, वो शून्य की जो वैल्यू है, मतलब इसके एक शून्य हो गया। ये वाला ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, एक दो तीन चार, चार बार कट कर रहा है, तो इसके शून्य यानी इसके जीरोज कितने हो गए, इसके जीरोज हो गए चार, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी ड्रॉ कर दूं यहाँ पे और आपसे यूं कह दूं कि इसके बताइए क्या आएंगे, तो क्या आएगा इसका, एक दो तीन चार पाँच, इसके शून्य इसके जीरोज कितने आ जाएंगे, पाँच। अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, इसके शून्य कितने आएंगे बताइए, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है ये, एक भी बार नहीं, तो इसके जीरोज है ही नहीं, इसके जीरोज शून्य है, इसके शून्य शून्य है, जीरो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जीरोज बताने हैं, देखो कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 में यही ग्राफ दिए हुए हैं आपको और आपको बताना है कि इनके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। मैं केवल दो आपको बताती हूँ, बाकी आप लोगों को खुद करना है। पहला बताती हूँ मैं सबसे पहले, देखिए पहले में क्या है, हमें देखना है वही कि x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, आप खुद देखिए, एक भी बार नहीं है ना, ये ऊपर हवा में है, y एक्सिस को कट कर रहा है, x को तो कट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसके कितने शून्य है, इसके जीरो शून्य है। ये कितनी बार कट कर रहा है आप खुद बताएंगे इसका आंसर। मैं एक और आपको करा देती हूँ, मैं ये वाला करा देती हूँ, इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा तीन। इस तरीके से आपको ये सारे करने हैं और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होती है। आप इसको जरूर करके देखिए, कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रश्न आपके जहन में आपके दिल में उठता है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर लें कमेंट सेक्शन में। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के बारे में समझाती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट 2.2 बताती हूँ उसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन बच्चों को हमारा चैनल पसंद आता है, प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसकी जानकारी पहुँचाएं। जितने भी बच्चे, मैं बता दूँ ये वीडियोस किस किस के लिए हेल्पफुल होगी, SSC के लिए, CDS की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं जिनको बेसिक मैथ समझना है उनके लिए, जो बच्चे LDC की तैयारी कर रहे हैं लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए उनके लिए ज़रूरी होगी, जो बच्चे CSAT UPSC में CSAT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी होगी, ऑब्वियस है क्लास 10th के लिए तो ज़रूरी है ही। कोई भी बच्चा मैथ में किसी भी तरह की तैयारी, कैट के लिए तैयारी करना चाह रहा है, कोई बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहा है, ये बेसिक मैथ है, ये हर किसी बच्चे के काम आएगा। तो कोई भी बच्चा जिसके छोटे भाई बहन क्लास 10वीं के अंदर पढ़ते हैं, जो अभी क्लास 10वीं में हुए हैं, प्लीज़ उन लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो बच्चे घर बैठे इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।